हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में गांधी युग से टॉप 55 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि गांधी युग जो 1919 से 1947 के बीच माना जाता है, आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ लगभग सभी आंदोलन इसी के बीच में हुआ। यही कारण है कि मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी युग को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो चलिए VVI टॉपिक गांधी युग से टॉप 55 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिससे आहत आकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। कहां पर हुआ? अमृतसर में। नेक्स्ट, सारे प्रश्न VVI हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कौशिक GS Academy को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट टॉपिक पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1928, बी है 1931 और सी है 1930। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1930। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो तीनों को फांसी दी गई काकोरी षड्यंत्र के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसके कारण? काकोरी षड्यंत्र के कारण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है जे एल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सिराज गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को। किसे? खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 में। कब? मुंबई 1918 में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। क्या? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्रूर अत्याचार के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कहाँ
21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने की थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुर में हुआ। कहां पर हुआ? हरिपुरा में। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य व कृषि विभाग, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो इस धावे को आयोजित किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ये क्या है? ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, यानी गांधी जी चाहते थे कि हमारा हिंद स्वराज हो, अपना स्वराज हो, यानी पश्चिमी सभ्यता को विरोध करना चाहते थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो अभियान संगठित किया गया था सीराज गोपालाचारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ट्रेन से फेंका गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीटर मारित्स वर्ग में। कहां पे? पीटर मारित्स वर्ग में, याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में। कहां पर हुआ था? लाहौर में। नेक्स्ट,
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 1942 में। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसमें भारत के वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह कहा था किसने? कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह कहा था ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है किसके द्वारा? तो बीपी मेनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। कौन? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था सर पैंथिक लॉरेंस। किसने? सर पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था वो था विलियम वुड। कौन था? विलियम वुड। बाकी सभी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले प्रयुक्त की चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। नेक्स्ट, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? तो सैंडर्स मारा गया गोली से भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या कर दी थी उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। किसके द्वारा दिया गया था? भगत सिंह। इस तरह से हमने टॉप 55 प्रश्न को कंप्लीट किया। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आपके लिए हम आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।